देखिए, अक्टूबर मंथ ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने बचे हुए हैं गेट 2025 एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में और आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में भी। गेट 2025 फॉर्म फिलिंग की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म को भर दिया होगा अच्छी तरीके से, एरर फ्री आप लोगों ने सबमिशन कर दिया होगा। हालांकि कुछ लोगों से एरर हो जाती है, तो अभी करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसमें आप लोग अपनी एरर को रेक्टिफाई कर लेना। आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से पहले से ही रेडी करके रखो। मीनवाइल हर साल की तरह इस साल भी गेट ने एक मॉक टेस्ट अपना रिलीज कर दिया है, जिसके बेसिस पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि गेट का पेपर जब आप देने जाओगे तो जो गेट और आपके बीच में इंटरफेस रहने वाला है वो इंटरफेस किस तरीके से रहेगा। जो आप सिस्टम पे बैठे होंगे, आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे रीड करना है, उस इंटरफेस को पूरी तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों को अभी तक ये अपडेट नहीं मिली है, आप इस सेशन को पूरा देखना, और इस सेशन को देखने के बाद जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, जो जो सजेशंस दे रहा हूँ, उसको ज़रूर आप फॉलो करने की कोशिश करना, तो आप सर्टेनली एक बेहतर ऑप्टिमाइजेशन के साथ गेट के एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, एक बेहतर थॉट प्रोसेस के साथ उस इंटरफेस को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट ऑलरेडी आ चुका है। आप देखते हैं मॉक टेस्ट ये होता क्या है, क्या मॉक टेस्ट में जो आईआईटी रुड़की है वो नए नए क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके देता है, क्या मॉक टेस्ट एक हिंट होता है कि यार इस बार इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या मॉक टेस्ट के बेसिस पर ही आपका 25 का पेपर बनने वाला है। तो इन सारी बातों की चर्चा करते हैं, और इन सारे पॉइंट्स में कई कई सारी चीज़ें जो मिथ्स हैं उनको भी वन बाय वन हम लोग डिबंक करते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे टाइप कर देना गेट 2025 आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की की जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसको आप ओपन कर लेना। पहला ही लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मॉक टेस्ट लिंक्स आर अवेलेबल। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट लिंक आपका आ चुका है। आप देख लो अपनी ब्रांच, जो भी आपकी ब्रांच है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ब्रांच ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, आईएन है, सिविल है, मैकेनिकल है, सीएस है, बेस्ड ऑन दैट आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ईसी वाली ब्रांच पे चलता हूँ, ये रही आपकी ईसी ब्रांच। ठीक है, ये देखिए ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरा मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा। जब आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहले पढ़ लो सिस्टम नेम, यहाँ पर आपका सिस्टम नेम आ गया है, लिखा हुआ काइंडली कॉन्टैक्ट द इन्विजिलेटर इफ देर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द नेम एंड फोटोग्राफ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इफ द फोटोग्राफ इज नॉट योर्स। ठीक है, तो अब कैंडिडेट का नाम जॉन स्मिथ आ गया है, तो ये एक डमी नेम है जो सभी लोगों की मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिकली पॉपअप करके आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ डमी नेम, राइट। अब देखिए ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन आपसे मांग रहा है, तो लॉगिन वगैरह में कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी फिल्ड इन होता है सारा का सारा, जो इसमें फील्ड्स होती हैं ये सारी फील्ड ऑलरेडी, बस आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट ओपन हो गया है। ठीक है, अब जब मॉक टेस्ट ओपन हुआ है तो ना इन इंस्ट्रक्शंस को आप चाहें तो पहले ही केयरफुली पढ़ लें, इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि 10-12 बार तो इसको आप पढ़ ही लीजिए अगले 3 महीनों में, सो दैट ना इसके एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए इसमें टोटल ड्यूरेशन आपको बता दिया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर उसने बोल दिया है इज़ अवेलेबल ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो जब आप अंदर एंटर करोगे तो राइट साइड पर आपका वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा। ठीक है, राइट, द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, द काउंट डाउन टाइमर इज टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड, द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कम्प्लीट द एग्जामिनेशन। तो उसमें आपका रिमेनिंग टाइम वगैरह दिखा देगा। बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया होगा डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो मोर और लेस वो लोग भी सेम ही इंटरफेस को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, राइट, अब इसके बाद ये कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि सपोज अगर ये ग्रे में है तो आपने भी क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, रेड का मतलब आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, जो आपका ग्रीन हो जाए इसका मतलब आपने आंसर कर दिया है, अगर आपका ये ब्लू है और सर्कल्ड है इसका मतलब आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है बट आपने उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू कर लिया है, अगर आपका ये ब्लू के साथ ग्रीन आ जाता है इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर किया है बट आप श्योर नहीं हो कि आपने सही आंसर किया नहीं, या आपको लग रहा है मैं बाद में दोबारा चेक करूंगा कैलकुलेशन की मेरी ठीक थी या नहीं, तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊंगा। राइट, ठीक है, अब देखिए इस पर नीचे आते हैं। राइट, ये सारी की सारी जो डिटेल्स रखें ये डिटेल्स इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, टोटल 65 क्वेश्चन हैं, इसमें 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड 1 नंबर के 5 क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 1 नंबर के 25 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आप क्लिक कर दो, फिल कर दो और उसके बाद आप रेडी टू बिगिन पे आ जाओ। ठीक है, देखिए जैसे आप रेडी टू बिगिन पे आएंगे ना, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से वो
आपको एक बार ये पूरा का पूरा इंटरफेस अच्छे से देख लेना चाहिए। हालांकि देखो ये टाइमर आपका चलना स्टार्ट हो चुका है, बट जब आप इस इंटरफेस से कंफर्टेबल होना चाहते हो ना, तो पहले सारी चीज़ें आप इसमें गो थ्रू कर लो। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, आपकी ब्रांच यहाँ पे लिखी गई, ठीक है, जो भी ब्रांच आपने क्लिक किया है। मोर ओवर यहाँ पर देखिए दो सेक्शंस मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। यहीं पर दो टैब्स आपके पास हैं, जनरल एप्टीट्यूड और ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। जनरल एप्टीट्यूड पर अगर ये आपने क्लिक कर रखा है तो यहाँ पर आपको टोटल जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस साइड, यहाँ पर भी जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है और टोटल आपको यहाँ पे 10 बॉक्सेस दिए गए। यानी जब आप जनरल एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको इन 10 बॉक्सेस को फिलअप करना है बेस्ड ऑन कि आपने कौन सा क्वेश्चन आंसर किया। सपोज आप पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां आंसर करना चाहते हो तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए 10 अलग से बॉक्सेस आपको मेंशन किए रहेंगे। मीनवाइल अगर आप चाहते हो कि यार मैं पहले टेक्निकल सब्जेक्ट पे जाना चाहता हूँ, तो बगल में एक टैब दिया है, इस टैब पे क्लिक करके आप टेक्निकल वाले पोर्शन पे जा सकते हो। जैसे आप टेक्निकल वाले पोर्शन पे जाओगे, आप देखिए यहाँ पर ना टोटल आपको 55 टैब्स दिखेंगे। तो ये टोटल 55 टैब्स आपको फिलअप करने हैं, मतलब फिलअप इन द सेंस कि आपको 55 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इसमें से आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। राइट, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो टैब में क्लैरिटी रखना कि ये दो टैब है, इसमें 10 क्वेश्चन यहाँ पे निपटाने, आपको 55 क्वेश्चंस की अटेम्प्ट आपको यहाँ पे देनी है। ऑल राइट, अब देखिए, अब जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो जाहिर सी बात है इस इंटरफेस को आप काफ़ी बार यूज़ कर चुके होंगे घर पे, मॉक टेस्ट पे या फिर इसी पोर्टल के थ्रू। तो सबसे पहला काम जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि जैसे ही ये ओपन होता है, आप इमिडिएटली यहाँ पर ऊपर एक आपको टैब दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर का, सभी लोगों को दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। आप एक काम करोगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपके पास 65 के 65 क्वेश्चंस एक सिंगल स्लाइड में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें पेपर अटेम्प्ट करने से पहले क्या करना चाहिए। देखिए, मेरी सलाह ये है कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट 4 मिनट आप कोशिश ये करें कि एक बार पूरा पेपर आप स्कैन कर लें। पूरा पेपर स्कैन करने से होता क्या है कि एक हमारी जो साल भर की प्रैक्टिस होती है, साल भर हमने पढ़ाई करी होती है, रफ कॉपी पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग देते हैं, तो एक पेपर का ना जजमेंट लेना हम लोगों को आ जाता है। ओवरऑल पेपर देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देख के लग रहा है कि ये तो इजीली हो जाएंगे। सिग्नल के क्वेश्चन पता लगा बहुत आसान आए हुए, कंट्रोल के, नेटवर्क के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आपने देखा तो आपको लगा कि यार EMFT थोड़ा सा टफर साइड आया हुआ है, वो देख के एक झलक हमको पता लग जाती है। उससे क्या होता है कि सपोज आप पेपर स्कैन करते गए, ठीक है, जस्ट आप ये ऐसे देखते जा रहे हो कि आपने देखा अच्छा ये चौक का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फिर आपने ये देखा इस टाइप का, फिर आपको देखो जैसे ये क्वेश्चन दिखेगा आपको समझ में आया अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी बेस्ड ये तो इमीडिएटली कर दूंगा, तो आपको समझ में आया अच्छा कि क्वेश्चन नंबर 8 या फिर लॉग वाला भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आप आगे बढ़ने के बाद आपने टेक्निकल देखा, पहला ही क्वेश्चन आपको मैथ का दिख गया, तो आपको समझ में आया अच्छा ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा। बस आपको ऐसे देखते जाना है, ठीक है। सपोज ऐसे देखते देखते मैं क्वेश्चन नंबर, समझिए कि मैं पहुँचता हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, 55 पे। तो अब मुझे देखा यार 55 पे तो एक डिजिटल का क्वेश्चन है और डिजिटल के क्वेश्चन में काउंटर का क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो आपके दिमाग में थॉट ये है कि यार 55 वाले नंबर पे भी आसान क्वेश्चन मौजूद है ना। कई कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक ही टफ क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 55 तक पहुँच ही नहीं पाते, है ना। तो अब जैसे पेपर स्कैन करने से एक आपके दिमाग में थॉट आ गया कि यार 55-54 नंबर पे, 50 नंबर पे भी आसान क्वेश्चन है, तो बीच में कहीं पर भी आपको टफ क्वेश्चन दिखते हैं आपको इमीडिएटली उसको छोड़ देना है या फिर उसको मार्क्ड पर रिव्यू करके आगे निकल जाना है, ठीक है। तो पेपर में पहली साइकोलॉजी ये होती है कि हम पेपर में जितने भी आसान क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन हमारी प्रिपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसको हम कंप्लीट कर लें। पेपर का फर्स्ट हाफ एन आवर हमेशा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप लोग यूटिलाइज करिए, ठीक है। हाफ एन आवर में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा गेन होना चाहिए। एक बार कॉन्फिडेंस बन गया पेपर में, आधे घंटे में आपने 8-10 क्वेश्चन क्रैक कर दिए, फिर उसके बाद पेपर आपका है, आप उसको फिर इजीली अपने हिसाब से मॉडुलेट कर सकते हो। कहीं ऐसा हुआ कि आधे घंटे में आप एक ही दो क्वेश्चन लगा पाए, ठीक है, आप पैनिक कर गए, फिर वहाँ पे ना पूरा 3 घंटे तक फिर आपका कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं, फिर आप पैनिक स्टेट में रहोगे। तो हमेशा मेरी बात को याद रखना, किसी भी साल का कितना भी टफ पेपर आ जाए, पेपर में 10 से 15 सवाल, हालांकि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 10 से 15 सवाल ऐसे होते हैं जो कोई भी कर सकता, कोई भी, उसने गेट की तैयारी करी हो या नहीं करी हो। तो हमने तो तब भी गेट की तैयारी की, इतनी मेहनत करी हुई है, तो पहले वो 10-15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के आर्ट हमारे अंदर होनी चाहिए, वो स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देके आप अपनी स्किल को बढ़ाइए, ठीक है। तो ये आपने पूरा पेपर एक सरसरी नज़र से देख लिया, ये आदत आप डे 1 से डालिए। ऐसा नहीं कि सर हम सीधे गेट के एग्जाम में पहुंचे और ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे, तब नहीं हो पाएगा। आप जितने भी मॉक टेस्ट दीजिए, जब भी आप घर पर प्रैक्टिस करिए, हमेशा इसको इस चीज़ की आदत डालिए कि पेपर स्कैनिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, उससे पेपर का एक जजमेंट आपको लेना आना चाहिए, ठीक है। चलो ये पूरा हमने देख लिया, तो ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाना है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आप छठवें पे क्लिक करके फिर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सातवें पे क्लिक करके फिर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, नहीं, ये वाले टैब को आप मत करो कुछ भी, ठीक है, इसको आप टच मत करो। इनफैक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके अब अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार स्कैन कर लो। चलो ठीक है, ये हमने कर लिया। अब पूरा पेपर जो हमारा स्कैन हो गया, तो अब हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए किस क्वेश्चन वगैरह को अटैम्प्ट करने का, ठीक है। दो तीन चीज़ें इसमें और, जैसे सपोज़ ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे लग रहा है कि यार अच्छा, पहले एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन टाइप भी दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो MSQ, अगर मैं प्रीवियस में जाऊँ तो यहाँ पर उसने खुद ही लिख दिया NET टाइप का क्वेश्चन है। याद रखिएगा MSQ और NET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो MSQ और NET तो छोड़ना ही नहीं है, जो समझ में आ रहा फिल करके आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका एक MCQ रहेगा, ठीक है, ये देखो जैसे ऊपर इसने मेंशन कर दिया कि MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का लैंग्वेज वगैरह आप लोग यहाँ से डिकोड कर लो, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, समझिए कि मैं पहुँचता हूँ क्वेश्चन नंबर वन पर। क्वेश्चन नंबर वन मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को मुझे वर्चुअल कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं वर्चुअल कैलकुलेटर यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लूँगा और इस वर्चुअल कैलकुलेटर के थ्रू सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दूँगा। वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है उसके लिए मैंने डिटेल में आप लोगों को एक वीडियो बना के इसी चैनल पर दिया हुआ है, आप जाकर उसको देखिए और वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर आप लोग वहाँ से यूज़ करना सीखो। उसके अलावा सपोज़ मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू 5 आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5.5 आ रही थी, ठीक है। तो अब आपको जब यहाँ पे डेटा फिल करना है, तो ये कैलकुलेटर से ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 5.5 निकाला, इक्वल टू किया तो यहाँ पे डेटा फिल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको आप कट करिए, यहाँ पर आप 5.5 क्लिक करिए, 5.5, ठीक है, ये 5.5 आपने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट किया तो देखो पहला क्वेश्चन आपका ग्रीन हो गया, मतलब पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ही नहीं है, है ना। बट बाय द वे अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन में मैंने 5.5 निकाला, पता नहीं मैंने सही आंसर निकाला नहीं निकाला, या कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप मार्क्ड फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ब्लू के साथ ग्रीन आ गया, मतलब आपने आंसर दे रखा है, बट आप बोल रहे हो मैं बाद में एक बार रिविजिट करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको हवा नहीं लगी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था क्या नहीं पूछा गया था, तो आप यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, छोड़ के आप आगे बढ़ गए, थर्ड क्वेश्चन पर आए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपने पढ़ा, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको हवा नहीं लगी क्या पूछ रहा है क्या नहीं, आप अभी पेपर के स्टार्टिंग में हो, तो ये मॉस्फेट वगैरह वाले क्वेश्चन देख के आपने सोचा कि यार थोड़ा माइंड को रिलैक्स करता हूँ, पहले इजी क्वेश्चंस को टच करता हूँ, ठीक है। तो आपने बोला कि बट ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ है क्लास में, एज इट इज ए क्वेश्चन है, तो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर लिया। तो ये टैब आपको बताता रहेगा कि दो आपने छोड़ ही दिया था, है ना, दो पे आपको उम्मीद ही नहीं है, वो बिल्कुल लास्ट में आप टच करोगे। थर्ड वाला आपको बताता है यार मैं कर तो लूँगा, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए पेपर में, थोड़े से और इजी क्वेश्चन पहले टारगेट कर लेता हूँ फिर, तो थर्ड को आपने मार्क कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ पे आए, फोर्थ आपको लगा नेटवर्क का क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो जाएगा, आपने जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा था 52.8 आपने फिल किया, ठीक है, आप सेव एंड नेक्स्ट करके चले गए, फोर्थ पे आपका ग्रीन हो गया। अचानक से आपको याद आया कि यार मैं तो वहाँ पे 2 का डिवीजन करना भूल गया था, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पर जाइए। प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने के बाद यहाँ पर ना आप डायरेक्ट डेटा मत फिल कर देना बैक स्पेस करके, पहले रिस्पॉन्स को क्लियर करना प्रॉपर, ठीक है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा, पहले आप रिस्पॉन्स को क्लियर करना, क्लियर करने के बाद नया आंसर पुट करना 60.8, आपको लग रहा है ये ठीक है, अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें जिन बातों पर आपको गौर करना चाहिए, ठीक है। अब पेपर देखो, जैसे ये क्वेश्चन देख के लग रहा हो जाएगा, फटाफट इसको अटेम्प्ट करो, जो भी आपका आंसर आ रहा है आंसर यहाँ पे फिल करो, सेव एंड नेक्स्ट करो, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो अब आप में से समझिए कि कई लोग अगर जिनका एनालॉग थोड़ा सा वीक है, उनको लग रहा है ये मॉस्फेट के क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ, 5-10 मिनट आपने यहीं बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है, 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 10 मिनट बर्बाद कर दिया, आपको याद नहीं आ रहा है कि यार यहाँ पर क्या करना था, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन GM1 GM2 कैसे इसका स्मॉल सिग्नल बनाना है ना, इमीडिएटली आपको नहीं स्ट्राइक कर रही वो सारी बातें। तो आप अगर 10-15 मिनट इसमें बर्बाद करोगे, तो आप यकीन मानो मेरी बात पर ट्रस्ट करो, आपसे ना ये अगला वाला क्वेश्चन भी करने में अगर आपको 1 मिनट लगता है ना, 2.5 मिनट लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर ये टाइमर चलता रहेगा भाई, ठीक है, ये आपके सर पे बैठा रहेगा, ये आपको टेंशन देता रहेगा लगातार। तो जो क्वेश्चन हल्का सा भी आपको टेंशन दे रहा है, इरिटेट कर रहा, तुरंत उसको छोड़ो, ठीक है, उसको तुरंत छोड़ना है, इमीडिएटली अगले क्वेश्चन पर जंप करना। वैसे नेटवर्क का क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक 5 तक पहुँच गए थे हम लोग, चलो क्वेश्चन नंबर
सिक्स पर आते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी हर कोई कर लेगा, नेटवर्क का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने कर दिया, आगे बढ़े आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ा, आपको लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करता हूँ, इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करके, लग रहा हो जाएगा मार्क फॉर रिव्यू करके, ये देखो क्लास में करा कराया क्वेश्चन, आपको आपको मैंने करवाया हुआ था क्लास में, तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए। यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा है आपका 112, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पर, ये देखें 112 आप फिल किए, आप आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर ये देखो आ गया क्वेश्चन ओपैम्प का, आपको लग रहा है कि यार ओपैम्प का क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये ऑसिलेटर वाला क्वेश्चन है, बहुत दिमाग खराब करेगा, इसमें पूरा का पूरा मुझे इमेजिनरी पार्ट वगैरह निकाल के जीरो पुट करना पड़ेगा। अभी छोड़ते हैं, हो जाएगा, अभी छोड़ते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। मॉसफेट का क्वेश्चन है, छोड़ो अभी, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया आपका, डिफरेंशियल क्वेश्चन का, इसको करो, आगे बढ़ जाओ। इस प्रकार से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। हालांकि मैं आप लोगों के लिए 65 क्वेश्चंस भी कैसे अटेम्प्ट करते हैं, या मैं कैसे अटेम्प्ट करता अगर मैं क्वांटिटी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करता, या मैं अपने टाइम पे कैसे देता था, तो उसका भी मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आऊँगा। जस्ट एक थॉट आपको बता रहा हूँ कि देखिए नंबर आपको दो ही मिलने वाले हैं, ठीक है, चाहे पहला क्वेश्चन करो या 55th क्वेश्चन करो, नंबर एक ही मिलने वाला है, ठीक है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है एक ही मिलने वाला है, दो नंबर का तो दो ही मिलने वाला है। तो आपको पूरी तैयारी के दौरान, तैयारी के साथ साथ दो बहुत अच्छी स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए। पहला कि मुझे क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करना है, और दूसरा जिस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट कर लिया उसका एक बार में नीट एंड क्लीन सिस्टमैटिक टू द पॉइंट सही आंसर निकाल के फिल करके फिर मुझे आगे बढ़ना है, पांच बार कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने अब कुछ दिनों पहले सेशन लेके आपको बताया भी था कि अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ पर आप स्क्रिबल पैड वगैरह को और इंपॉर्टेंस देना शुरू करें, रादर देन कि आप A4 शीट में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, यू मस्ट कैलकुलेट इन अ स्क्रिबल पैड, सो दैट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो फॉन्ट साइज कितना छोटा लिखना है, कितना वहाँ पर स्पेस बचा हुआ है, वो सब धीरे धीरे थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। देखिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, बहुत ब्रिलियंट हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक एवरेज स्टूडेंट इन सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के, इन सारी छोटी छोटी बातों पर मेहनत करके, इंप्रूव करके एक बेहतर रैंक ला सकता है। जहाँ पर आपकी रैंक 1000, 1500, 2000 आने वाली होगी, हो सकता है आपकी रैंक 400, 450 आ जाए, अगर ये आप अपने प्रिपरेशन के सराउंडिंग वाली जितने भी फैक्टर्स हैं अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी तैयारी में। तो आई होप मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, एक बार आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म का चेकआउट करो, जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टैप्स बताए उनको देखो, कैलकुलेटर कहाँ पे दिया ये सब कर डालो 10-15 बार, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ कितने मार्क्स हैं, कितने नेगेटिव मार्क्स हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं बताऊँ, कितना भी टफ पेपर आ जाए, कितना भी टफ पेपर आ जाए, वर्स्ट से वर्स्ट पेपर आप उठा लो जो आपको लगता हो टफेस्ट, अगर आप ठंडे दिमाग से बैठोगे, ठंडे दिमाग से, ठीक है, तो एक घंटे में 25 से 30 नंबर का पेपर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक घंटे में अगर आपने अपने मतलब पैनिक करना ही नहीं है, ठीक है, जो क्वेश्चन हल्का सा स्ट्रेस दे रहा है छोड़ो उसको, तुरंत बाद में देखा जाएगा उसको, ठीक है। और देखिए अगर हमने एक ठीक ठाक लेवल पे तैयारी कर रखी है, अगर हमने एक ठीक ठाक इनपुट दिया अपनी तैयारी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट है मेजॉरिटी ऑफ जनता के लिए डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं कि कोई आसमान से पढ़ के आ रहा है या किसी के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ परसेंट लोगों को छोड़ दो, ज़्यादातर लोग सेम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जाते हैं। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि 25 से 30 नंबर फेच कर लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, कम से कम आवर्स में। हो सकता है वो 30 मिनट्स में हो जाए, हो सकता है एक घंटे में हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है। तो ये आप कहाँ से सीखोगे, टेस्ट देखे, जितने मॉक टेस्ट होगे उसमें ये बार 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 ये चीज़ें प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट पे एक इंडिपेंडेंट सेशन मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो वहाँ पे आप के लिए मैं कुछ चेकलिस्ट दे दूंगा, उन चेकलिस्ट के बेसिस पर आप हमेशा अपने मॉक टेस्ट पेपर को एनालाइज करना, ठीक है। चलो, तो ऐसे इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक बार चेक कर लो। हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जो ये मॉक टेस्ट होता है ना, असल में अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो ये मॉक टेस्ट नहीं है, असल में ये गेट 2024 का ही पेपर इन्होंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो गेट वाले सोचते हैं यार इतनी मेहनत कौन करेगा, एक तो गेट के पेपर में नए नए क्वेश्चंस बनाओ, ऊपर से मॉक टेस्ट में भी आपको नए नए क्वेश्चन बना के दिए जाए, तो इतनी मेहनत करने में मुझे नहीं लगता कि वो लोग बिलीव करते हैं। तो उन्होंने सीधे पिछले साल का पेपर उठाया, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट मार दिया। तो ऐसा मत सोचना भाई कि जो 2024 में ये इन्होंने अपलोड किया, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं उसी टॉपिक से 2025 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं, इसका 2025 के पेपर से कोई लेना देना नहीं जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो गेट 2024 का पेपर है ना, तो कैसे लेना देना होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ये जो आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरफेस प्रो बनाने के लिए दिया जाता है, कि आप थोड़ा इंटरफेस से कंफर्टेबल हो जाओ, इंटरफेस के एक एक चीज़ को आप अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकें। समझे आप मेरी बात को? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मॉसफेट ज़्यादा पूछा गया तो अगले साल भी मॉसफेट ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें नाइक्विस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो अगले साल नाइक्विस्ट का एक भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगले साल बिल्कुल इंडिपेंडेंट पेपर आएगा और आपकी तैयारी ये डिसाइड करेगी कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस एक इंटरफेस को थोड़ा सा आप लोग अडॉप्ट कर लो यहाँ से, दैट्स इट, राइट। चलो ठीक है,
इसके अलावा यार अभी अनअकैडमी पे ना अनअकैडमी उत्सव चल रहा है दिवाली के मौके पे, तो आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे आने के लिए बिगेस्ट ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें फ्लैट 55% आपको दिया जा रहा है गेट के सब्सक्रिप्शन पे, और उसके साथ साथ वन मंथ का एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। याद रखिएगा ये जो आपका ऑफर है दिस इज़ वैलिड ओनली टिल, दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली टिल अक्टूबर 30, ठीक है। तो अभी आपके पास 3+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लाइव है, जिसको आप 5499 में ऑप्ट कर सकते हैं, 5499 में आप इसको ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप गेट 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आप भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। देखिए सब्सक्रिप्शन वैसे तो 33,000 का भी कर दिया गया, ठीक है, बट क्योंकि अभी उत्सव चल रहा है अनअकैडमी उत्सव, तो उसमें आप 14999 में ये ऑफर ऑप्ट कर सकते हो। अभी अनअकैडमी प्लस पे मेरा EMFT स्टार्ट हुआ है, सस्ते में मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हो। अभी बाद में फिर से अमाउंट बढ़ जाएगा, तो आपको फिर से 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा। देखिए अर्ली स्टार्ट लीड्स टू अर्ली सक्सेस, मैं आपको 500 बार बता चुका हूँ। अगर तैयारी करनी है, सोच लिया तो स्टार्ट कर दो, नहीं करनी है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो लोग 27 को टारगेट करना चाहते हैं गेट के थ्रू, वो भी टारगेट कर सकते हैं। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 19,999 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए देखिए जाहिर सी बात है कि जब आप प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको ये अमाउंट 33,000 ही दिख रहा होगा, बट जैसे आप ये कोड वहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक है, विशाल गेट, जैसे आप ये कोड वहाँ पर अप्लाई करोगे ये अमाउंट अपने आप 14999 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 14999 में आप आकर सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। अभी अनअकैडमी उत्सव के लिए चल रहा है। उसके अलावा अनअकैडमी उत्सव में आप सभी लोगों के लिए ना अश्योर्ड रिवॉर्ड्स भी दिए गए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आप आईफोन्स हो गए, मैकबुक्स हो गए, सब कुछ यूज़ कर सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पर लिंक पे जाइए और एनरोल कीजिए, और वहाँ पर एक स्पिन द व्हील का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप व्हील को स्पिन करिए, वहाँ पर जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो रिवॉर्ड्स आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें कि 25th अक्टूबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसको कि आप कर सकते हो। इसके अलावा समर्थ बैच आपका 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आप EMFT से स्टार्ट कर सकते हो। EMFT में आपको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप क्लिक करके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, राइट। बाकी उसके अलावा आपके पास दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन होंगे यहाँ पर, एक आपके पास होगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेस तो मिल ही जाएंगे। आइकॉनिक में आपको प्लस की भी सारी चीज़ें मिलेंगी, एट द सेम टाइम 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप आपको यहाँ पर मिलेगी। मोर ओवर यहाँ पर आप लोगों को फिजिकल बुक्स भी मिल जाएगी, और बाकी जो प्लस में आपके पास है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी यार जो लोग अभी स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा वो आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2024 रैंक, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक इन सर्टेन रेशियोज़ में है तो आपको स्ट्रेट 90% to 55% आपको स्कॉलरशिप दे दी जा रही है। आपको बस ये QR कोड स्कैन करना है और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें ये सारी बुक्स, जैसे कि EMFT, नेटवर्क, डिजिटल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, ठीक है, ये सारी बुक्स की हार्ड कॉपी मिल जाएगी, जिसमें से ये दो बुक्स मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। सिमिलरली जो EC स्टूडेंट्स हैं उनको सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, उसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम की भी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से यार इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। बाकी मॉक टेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, आपको इस सेशन के थ्रू कुछ सीखने को मिला नहीं मिला, या फिर आप इस टाइप के और कौन से सेशंस चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी अभी प्लस की क्लासेस चल रही थी, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था, तो मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं हो पाया, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा ऐसे सेशंस ला पाऊँ जहाँ पर आप लोगों को प्रिपरेशन रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बनाने में आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो।